गाइडलाइन के अनुसार पीपीई किट में 17 का किया गया अंतिम संस्कार। जिले में 506 सक्रिय संक्रमित। पूर्व सीएम ने की गरीबों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था। आज 240 इंजेक्शनों की सौंपी खेप। गोलगंज में किताब दुकानदार ने किया सोशल डिस्टेंसिंग उल्लंघन, 1000 का हुआ जुर्माना। गुलाबी गैंग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को एकत्र होने का किया आह्वान, कहा लड़ना है कोरोना से। और भाजपा ने मनाया 41वां स्थापना दिवस, कार्यालय में मौजूद रहे सिर्फ 10 कार्यकर्ता। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में आज भी 69 कोरोना पॉजिटिव लोगों की जानकारी मिली है, जबकि 17 मृतकों का गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार आज भी कोरोना से मरने वालों की संख्या एक ही दर्ज हुई। जिले में सक्रिय कोरोना पॉजिटिव 506 हो चुके हैं, जबकि 950 से अधिक सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना संक्रमितों को लगाए जाने वाले जीवनदायी इंजेक्शन रेमडेसिविर की बाजार में उपलब्ध न होने की जानकारी मिलते ही जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्वयं की ओर से 240 इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं, जिसे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला, वासु अली और अजय सहित अन्य कांग्रेसियों ने जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कक्ष में जिला कलेक्टर सौरभ सुमन को प्रदान किए। गोलगंज स्थित शुभम बुक डिपो में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान राजस्व अधिकारी साजिद खान, दुर्गेश अघुवंशी, अब्दुल मजीद, हरीश गोदरे टीम में शामिल रहे। गुलाबी गैंग की जिलाध्यक्ष पूर्णिमा वर्मा ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों को एक होने का आह्वान करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जिला अस्पताल के हालात ऐसे ही रहे तो गुलाबी गैंग जल्द ही अस्पताल और प्रशासन दोनों का घेराव करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, अखिल भारतीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री विश्वनाथ कोपते जी, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, बहुजन समाज पार्टी जितने भी राजनीतिक दल के जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि शीघ्र अति शीघ्र संयुक्त मोर्चा का आप गठन करिए, जिसमें आप सामाजिक संस्थाओं के भी अध्यक्षों को आमंत्रित करिए और इनके साथ बैठ के इसका निदान निकालिए। आरोप प्रत्यारोप की दलदल से बाहर होइए। कोई नेता, कोई राजनेता आरोप प्रत्यारोप ना करे, अपने घटियापन का प्रदर्शन करने से बाज आ जाए राजनेता, नहीं तो ये तय रहा कि आने वाले समय में जो जिला अस्पताल में जनता जूझ रही है, इनका परिवार उनको बहुत कठोर जवाब देने के लिए खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस आज भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्थानीय भाजपा कार्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में 10 कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से झंडा लगाकर और भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर स्थापना दिवस मनाया। तहसील मोखेड़ अंतर्गत ग्राम बालामऊ में कुआं खुदाई के काम में लगे 7 मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिली, जिसकी शिकायत करने गए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुआं शासकीय योजना अंतर्गत निजी व्यक्ति द्वारा खुदवाया गया था, जिसका भुगतान करीब 55,000 उसके द्वारा नहीं किया गया। ग्राम पालमू ब्लॉक मुखर का मामला था। इन्होंने सचिव और सरपंच के कहने में उनके काम किए थे, जो रिंग और गड्ढे खोदने का काम था, और लगभग इनको 1 साल हो गया, उसकी पेमेंट नहीं मिली। जब ये पेमेंट के लिए जाते थे तो पैसा नहीं डला ऐसा बोला जाता था, और जब पैसा डल गया तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे, आपसे जो बनता है वो आप कर लो, इस समस्या को लेकर आप आज आवेदन। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर।
जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाने के लिए एक रथ शुरू किया गया, जिसमें लोगों को 60 साल से ऊपर और 45 साल से 59 साल तक फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स को अनिवार्य रूप से टीका लगाने की सलाह दी गई। खुशियों का कोविड-19 टीका। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग एवं 45 वर्ष से 59 वर्ष के चिन्हित बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क कोविड टीका लगाया जा रहा है। साथ ही कोई चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में कोविड-19 का टीका लगवाना चाहते हैं तो शासन से निर्धारित 250 रुपए में वहां लगवा सकते हैं। जन जागरूकता अभियान का रथ चलाया जा रहा है और ये बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है, जैसे कोविड-19 का टीका जाकर जनता स्वयं जाकर लगवाए, जैसे हम सुरक्षित, परिवार सुरक्षित, देश सुरक्षित रहेगा, इसका अभियान चलाया जा रहा है। और ये पब्लिक प्लेस, कलेक्टर ट्रैफिक, जनपद कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जो सार्वजनिक स्थानों पर इनको लगाया जा रहा है, जिससे प्रचार प्रसार अधिक मात्रा में हो और जनता जागरूक हो। खरीदी केंद्र सेवा सहकारिता समिति नवेगांव कला केंद्र द्वारा गेहूं खरीदी चालू की गई। आज पहला दिन था जिसमें 3 किसानों को मौका मिला था, जिन्होंने खरीदी केंद्र पर गेहूं सरकारी दर 1975 रुपए करीब 73 क्विंटल गेहूं तौल करवाया। राम प्रकाश बिलवंशी ने 18 क्विंटल, रामदास ने 30 क्विंटल और सियावती बाई ने 25 क्विंटल गेहूं दिया। शासन की मंशा के अनुसार जो गेहूं खरीदी केंद्र नवेगांव सेवा सहकारी समिति में शुभारम्भ हुआ, वहाँ पहले किसान के रूप में हमारे राम प्रसाद भाई उमरपुर वाले का पंजीयन हुआ था, जिसमें मैसेज उनका आया है। समिति के और से बहुत अच्छा सच, यहाँ पर किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था, सनराइज की व्यवस्था और छांव की व्यवस्था के लिए भी सीलिंग की व्यवस्था बनवाएंगे हम आदरणीय हमारे प्रबंधक महोदय से बोल के। और सभी किसान शांति से अपना माल बेचें, ज़्यादा भीड़ ना बढ़ाए। चुनारदे विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर द्वारा स्थापना दिवस पर भारतीय जनता पार्टी के संबंध में अपने विचार रखे। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष दीनू साहू, आलोक श्रीवास्तव, सूरज चौधरी, अनुराग यादव, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम किया गया। एकता के साल का संबंध बहुत हमारा लंबा रहा, दो सांसदों से हमारी शुरुआत हुई थी, आज लगभग 300 के ऊपर हमारे केंद्र में सांसद है। जनसंघ का एक अंग हुआ करते थे, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसी का आज 41वां दिवस धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। वहीं अगर वर्तमान सरकार की बात करें, पिछले 15 साल में हमारा फंडिंग काल रहा, परंतु कुछ डेढ़ साल हमारा अंधकार में बीता। जुनारदेव में बिना मास्क पहने मार्केट में घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 50 रुपए की रसीद काटकर मास्क भी दिया जा रहा है। आज प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की गई, जिसमें वैक्सीनेशन से लेकर उपलब्ध बिस्तरों की संख्या पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वैक्सीनेशन का जल्द से जल्द लक्ष्य पूरा किया जाएगा और अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हमेशा मिलता आया है। प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स ने भी पूरी अपनी संस्थाओं को इस बात के लिए तैयार करके 12,068 बेड उपलब्ध कराए हैं और उनका लगभग 50% अभी उपयोग हो रहा है। कुछ अस्पतालों में सभी 100% बेड भर जाते हैं, लेकिन कुछ में अभी खाली भी होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर से भी लगातार हमारा संवाद इस बात के लिए चल रहा है कि हम उनके बेड की संख्या को किस तरह से बढ़ा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।